students, my name is Professor Zuhair Hussain and I am your physics teacher. जी बेटा, आज मैं chapter number 12 के next lecture के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा topic बहुत interesting और बहुत important है और इसका title है Millikan's experiment। Millikan एक scientist का नाम था जिसने ये experiment perform किया था और उस scientist के नाम की बुनियाद पर इसका नाम Millikan's experiment रख दिया गया। जी, इन 1909 यानी कि 1909 में आर ए मिलिकन नामी साइंटिस्ट ने ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं और उसी के नाम से इसको मंसूब किया गया मिलिकन एक्सपेरिमेंट। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको करने का जो पर्पस था वो एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले चार्ज की प्रिसाइज वैल्यू को फाइंड करना था। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का जो मिलिकन का पर्पस रहा वो ये था कि वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाए जाने वाले चार्ज की प्रिसाइज मेजरमेंट करना चाहता था। आइए देखते हैं कि उसने ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया। जी बेटा, सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर उसने जो सेटअप लगाया था एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए उसने कौन कौन से ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले इस डायग्राम में अगर आप देखें जो आपको मेजर पार्ट नजर आ रहा है, इट इज अ चैम्बर सी, या आपको रेक्टेंगुलर शेप का बना हुआ चैम्बर नजर आ रहा है। और इस चैम्बर के अंदर दो पॉइंट्स के ऊपर दो ग्लास विंडोज रखी गई, एक W1 एक W2। और ये ग्लास विंडोज, यहाँ ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है जिसमें से रोशनी अंदर दाखिल हो सकती है। और ये ग्लास विंडो है जिसको W2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ भी एक ट्रांसपेरेंट किस्म का ग्लास लगा हुआ है जहां से रोशनी अंदर दाखिल हो सकती है। जी बेटा, इसमें जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, दीज आर टू प्लेट्स, यहाँ आपको दो प्लेट्स नजर आ रही है जिनके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस वी दिया गया। यहाँ एक बैटरी लगी होगी जिसके जरिए पोटेंशियल डिफरेंस वी इसको दिया जाएगा और इन दोनों प्लेट्स को आपस में पैरेलल रखा गया है। दीज आर टू पैरेलल प्लेट्स जिसको मैंने पी पॉजिटिव और पी नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया है। और पी पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और पी नेगेटिव इसलिए क्योंकि नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसको बैटरी के पॉजिटिव और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया। जबकि ऊपर वाली प्लेट में आपको नजर आ रहा है छोटा सा ऑरिफाइस या होल रखा गया जिसको मैंने इस कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यहां एक आपको डॉटेड किस्म का सर्कल नजर आ रहा होगा, ये डॉटेड किस्म का सर्कल इसके साथ मैंने कैपिटल एम लिखा हुआ है। ये एक माइक्रोस्कोप है जिसको इस ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये ड्रॉपलेट आएगा कहां से उसको भी आगे चलते हैं। यहां ऊपर एक एटमाइजर है, एटमाइजर एक स्प्रे है जिसके अंदर एक ऑयल रखा हुआ है जिसकी डेंसिटी आपको पता होगा, ठीक है। इस एटमाइजर के अंदर ऑयल है जिसकी डेंसिटी आपको पता हो। जैसे ही एटमाइजर से इसको स्प्रे किया जाएगा, जैसे आपके बॉडी स्प्रे के नोजल से छोटे छोटे स्प्रे के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, इसी तरह से यहाँ ऑयल के ड्रॉपलेट्स यहाँ पैदा होंगे और वो ऑयल के ड्रॉपलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इस प्लेट पी प्लस की तरफ आएंगे। अब इसमें से कुछ ड्रॉपलेट्स इस होल के ऊपर आएंगे और इस होल में से अंदर गुजरने की कोशिश करेंगे और वन बाय वन इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे, राइट। ये ड्रॉपलेट्स बहुत छोटे छोटे होंगे जैसे कि मिस्ट के पार्टिकल होते हैं, यानी कि धुंध के जो पार्टिकल होते हैं, राइट। और वो जब जैसे इसके अंदर दाखिल होंगे तो इस माइक्रोस्कोप और इस लाइट सोर्स की मदद से और इस लाइट सोर्स के सामने एक आपने कन्वेक्स लेंस लगाया हुआ जो लाइट को कन्वर्ज करेगा किसके ऊपर, इस ड्रॉपलेट के ऊपर जो दोनों प्लेट्स के अंदर दाखिल हो चुका होगा और इसको विजिबल बना रहा होगा, राइट। और इस माइक्रोस्कोप के जरिए इस छोटे से ड्रॉपलेट को देखना हमारे लिए क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा और इस ड्रॉपलेट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। अब ये तो थी इस पूरे सेटअप की कंस्ट्रक्शन जिसको मैंने यहाँ पॉइंट्स की शक्ल में लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने कंटेनर की बात लिखी हुई कैपिटल सी, उसके बाद दो पैरेलल प्लेट्स की बात लिखी हुई पी पॉजिटिव एंड पी नेगेटिव, चूंकि एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद मैंने दोनों प्लेट्स का सेपरेशन का डिस्टेंस लिखा हुआ जो कि डी है। यहाँ पर नजर आ रहा होगा दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस लिया गया इट इज स्मॉल डी, राइट। तो दोनों प्लेट्स का जो दरमियानी फासला इट इज डी। अब यहाँ एक होल है ऊपर वाली प्लेट के ऊपर जिसको मैंने कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया हुआ जिसमें से ये ड्रॉपलेट्स अंदर दाखिल होना शुरू होंगे और माइक्रोस्कोप के जरिए उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, राइट। इसके बाद आपके पास एक सोर्स है जिसका पोटेंशियल वी है जो दोनों प्लेट्स के दरमियान कनेक्टेड है। यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक सोर्स लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल वी और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस वी क्रिएट हो रहा है उस बैटरी की वजह से, राइट। उसके बाद आपके पास एक एटमाइजर है, वो एटमाइजर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जिसमें ऑयल भरा हुआ है, ऐसा ऑयल जिसकी डेंसिटी आपको पता होगी और उस ऑयल को इसके ऊपर स्प्रे किया जाएगा जिससे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पैदा होंगे और वो ड्रॉपलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इस प्लेट के ऊपर आने की कोशिश करेंगे, राइट। अब एक लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स के जरिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर जो ड्रॉपलेट आ रहा है उसके व्यू को विजिबल बना रहे हैं,
राइट, यहाँ हम उसको आसानी से देख पाएंगे किसकी मदद से, इस लाइट सोर्स की मदद से जो कि कन्वेक्स लेंस के जरिए फोकस हो रही है उस ड्रॉपलेट के ऊपर जिस ड्रॉपलेट को आप इस माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, राइट। उसके बाद लिखा हुआ कन्वेक्स लेंस है जो कि लाइट को फोकस करेगा ड्रॉपलेट के ऊपर। उसके बाद आखिर में माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने लिखा हुआ, यह माइक्रोस्कोप क्या कर रही है, ये माइक्रोस्कोप उस ड्रॉपलेट के विजन को बड़ा करके दिखा रही है ताकि आप आसानी से उसको देख सकें और ऑब्जर्व कर सकें, राइट। जी बेटा, आगे नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग और कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं। इसकी वर्किंग में सबसे पहली बात ये लिखी हुई कि आपको नजर आ रहा है कि ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। तो ऑब्वियसली इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जब डिस्टेंस डी है, इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। अगर इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा तो उस पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप इस रिलेशन के जरिए क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, E इज इक्वल टू V ओवर D, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब यहां ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं इनको स्प्रे किया जाएगा इस एटमाइजर की मदद से। जैसे ही ये ऑयल ड्रॉपलेट्स स्प्रे होना शुरू होंगे तो ये ड्रॉपलेट्स नीचे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आना शुरू करेंगे और इनमें से कुछ ड्रॉपलेट ऐसे होंगे जिस होल में से गुजरेंगे। जैसे ही इस होल में से गुजरेंगे तो आप क्या करेंगे, या मैंने वही बात लिखी थी, इनमें से कुछ जो आपके पास ड्रॉपलेट्स है वो होल एच में से गुजरेंगे और जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो आप इस पोटेंशियल वी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप इस पोटेंशियल वी को चेंज करेंगे, इतना चेंज करेंगे इस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर क्यों लगेगी, क्योंकि जैसे ही इस नोजल में से ये ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे तो फ्रिक्शन की वजह से इनके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। नोजल और इन ड्रॉपलेट्स के दरमियान एक फ्रिक्शन पैदा होगी और उस फ्रिक्शन की वजह से, हीट की वजह से इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा और उस चार्ज की वजह से जैसे ही ये इन दोनों प्लेट्स के दरमियान दाखिल होंगे ये ड्रॉपलेट्स, इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज। इसको आप चेंज करेंगे, इसके चेंज करने से इस ड्रॉपलेट के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप उसको तब तक चेंज करेंगे जब तक ये ड्रॉपलेट प्लेट्स के दरमियान आपको सस्पेंडेड नजर ना आना शुरू हो जाए। जैसे ही आपको ये सस्पेंडेड नजर आना शुरू होगा तो वहां लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि उस ड्रॉपलेट के ऊपर लग रही होगी वो फोर्स, और उसके साथ साथ आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी को ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा था, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब यहां से एक बात समझ आ रही है, हमें ये नहीं बताया गया इस टॉपिक के अंदर कि उस ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज कौन सा आया। अब आपको पता है ग्रेविटी ऑब्वियसली नीचे की तरफ एक्ट करती है, अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके अगेंस्ट एक्ट कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है इसका मतलब ऊपर वाली प्लेट कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, इसका मतलब इस ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, राइट। इस फोर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस ड्रॉपलेट के ऊपर आए हुए चार्ज की जो नौइयत है या जो चार्ज है उसका पता लगा सकते हैं कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। तो यहां से मैं समझ आ रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है अगर वो अपवर्ड लग रही है तो इसका मतलब इस ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, राइट। तो यहां अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे जिसकी वजह से ये सस्पेंडेड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिलेशन है वो क्यू इंटू ई है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिलेशन है वो एम जी है। तो आपको ई की वैल्यू यहां ऑलरेडी बता देगी पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिलेशन से, ई की वैल्यू आप इसमें पुट करें तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा क्यू वी ओवर डी इज इक्वल टू एम जी, राइट। यहां से आप चार्ज निकालना चाहते हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट का मकसद है, मिलीगन एक्सपेरिमेंट का, तो चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए डी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और वोल्टेज को नीचे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो चार्ज का जो रिलेशन आपके पास यहाँ है, यहाँ आया Q is equal to mg d over v। अगर आप थोड़ा सा गौर करें इसके अंदर, ग्रेविटी की वैल्यू तो आपको पता होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। d डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, आपने जब सेटअप लगाया तो डिस्टेंस आपने अपनी मर्जी से रखा, तो d की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी। वोल्टेज, वोल्टेज भी आपने खुद सेट किया, जो वोल्टेज आप चेंज कर रहे हैं आप अपनी बैटरी से जो चेंज कर रहे हैं वोल्टेज आपको पता है, आपके अपने हाथ में है, तो वोल्टेज की वैल्यू भी आपको पता होगी। एक चीज जो आपको नहीं पता होगी, दैट विल द मास ऑफ दैट ड्रॉपलेट, वो ड्रॉपलेट इतना छोटा है कि उसका मास निकालना इंतहाई मुश्किल बात है। अगर मुझे ये मास पता चल जाता है तो मैं उस ड्रॉपलेट पे पाए जाने वाले चार्ज की वैल्यू भी फाइंड करने के काबिल हो जाता। तो अब यहां आके मेरा जो मकसद है वो क्या है, इस मास को फाइंड करना। अगर मैं इस मास को फाइंड करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे हम चल के देखते हैं। जी बेटा, आगे मास की डिटर्मिनेशन हम करने जा रहे हैं कि मास को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। मैस को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों प्लेट्स के दरमियानी पोटेंशियल को ऑफ कर देंगे, यानी ये जो पोटेंशियल आपके पास मौजूद था इसको हम ऑफ कर देंगे और उस ड्रॉपलेट को अंडर द एक्शन ऑफ एयर रेजिस्टेंस, यानी कि एयर रेजिस्टेंस के जरिए सर उस ड्रॉपलेट को फ्रीली
मूव करने देंगे, जब वो ड्रॉपलेट नीचे आएगा तो वो सस्पेंडेड हो जाएगा। सस्पेंडेड होने की वजह क्या होगी कि उस पे लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी जो कि उसके वेट की वजह से है और उस पे लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है जो कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से होगी, वो दोनों बराबर हो जाएगी। अब चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर को अगर आप याद करें तो ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वेट के बराबर है, अगर दोनों बराबर हो जाए तो वो ड्रॉपलेट क्या नजर आना शुरू हो जाता था, हवा में सस्पेंडेड नजर आना शुरू हो जाता था अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स लॉ। तो स्टॉक्स लॉ के मुताबिक आपके पास ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। इन दैट केस अगर आप पोटेंशियल खत्म कर दें और उसको फ्रीली मूव करने दें ड्रॉपलेट को एयर के अंदर, तो वो ड्रॉपलेट जैसे सस्पेंडेड होगा तो आपके पास ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वेट की वजह से आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। अगर मैं ड्रैग फोर्स की वैल्यू लूंगा तो वो 6 πe(rvt) के बराबर है और मैं वेट की वैल्यू देखूं तो वो mg के इक्वल है। अब यहां से आपने क्या फाइंड करना है, आपने यहां से चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है। चार्ज की वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए, मैस चाहिए। अगर आप मैस निकालना चाहते हैं तो मैस के लिए आपको इन तमाम वैल्यूज का पता होना जरूरी है, राइट। इसमें vt को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। vt क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को किस तरह से निकाला जा सकता है। जी बेटा, ये आपको डिस्टेंस डी नजर आ रहा है बिटवीन टू प्लेट्स। अगर ये डिस्टेंस डी आपको पता है क्योंकि ये प्लेट्स आपने खुद लगाई होंगी तो डिस्टेंस डी आपको पता होगा। अब आप लेंगे एक स्टॉप वॉच, तो ड्रॉपलेट को तो आप माइक्रोस्कोप के जरिए क्या कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। जैसे ये ड्रॉपलेट अंदर दाखिल होगा तो आप स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे, राइट। और जैसे ये ड्रॉपलेट ये डिस्टेंस डी कवर करता हुआ नीचे वाली प्लेट तक पहुंचेगा आप स्टॉप वॉच को ऑफ कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ड्रॉपलेट के इस डिस्टेंस डी को कवर करने का टाइम आ जाएगा। तो इस टाइम को और इस डिस्टेंस को अगर हम यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉपलेट की टर्मिनल स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ड्रॉपलेट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विद सम कांस्टेंट स्पीड नीचे आना शुरू हो गया था क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हो गई थी। तो इस टर्मिनल स्पीड को निकालने के लिए उस डिस्टेंस डी और टाइम दोनों को यूज करें, डी बाई टी। तो आपके पास टर्मिनल स्पीड आ जाएगी क्या यूज करते हुए, स्टॉपवॉच यूज करते हुए। वो स्टॉपवॉच से आपने क्या निकाला, वो टाइम निकाला जो कि डिस्टेंस डी कवर करने में उस ड्रॉपलेट ने लगाया, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं ये vt भी निकालूं तो फिर भी मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है जो मुझे अननोन होगी, दैट विल बी रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रॉपलेट, जो कि एक बहुत मुश्किल बात निकालना क्योंकि ड्रॉपलेट बहुत छोटे साइज का है। तो आप इस रेडियस को फाइंड करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, तो आपको पता है कि ये जो आपने ऑयल एटमाइजर में रखा था उस ऑयल की डेंसिटी आपको पता था। अब डेंसिटी का जो रिलेशन होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है और वहां से अगर मैं मास निकालना चाहूं तो वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। अब वॉल्यूम चूंकि ड्रॉपलेट को स्फेरिकल सपोज किया जा रहा है तो स्फेरिकल वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, राइट। ये उस ड्रॉपलेट का आपने क्या ले लिया, वॉल्यूम ले लिया। अब इस रिलेशन की अगर मैं बात करूं, इस रिलेशन को मास की जगह अगर मैं यहां पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो इक्वेशन नंबर 3 की जो नई सिचुएशन बन जाएगी कुछ ये बन जाएगी, राइट। आपने क्या किया, आपने यहां से मैस की ये वाली वैल्यू लेकर यहां मैस की वैल्यू पुट की, तो मैस की वैल्यू यहां पुट करने से मेरे पास रिलेशन ये वाला डेवलप हो गया, 6 πe(rvt) 4/3 ρ π r³g, राइट। अब यहां से आपने r की वैल्यू निकाली है ताकि r भी आपको पता चल जाए, और r पता चल गया अगर आपको तो आप मैस निकालने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपको मैस का आइडिया हो गया तो आप चार्ज ऑन दैट ड्रॉपलेट भी निकालने के काबिल हो जाएंगे। तो अब r निकालने के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं, इनमें से कुछ वैल्यूज कट जाएंगी, तो कटने के बाद आपके पास जो r की वैल्यू बचेगी दैट विल बी r² = 9 ηvt। अब इसमें ईटा क्या है, ईटा विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी क्या होती है, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड क्या है, ऑयल है। अब आपको पता है ऑयल की डेंसिटी और बाकी तमाम फीचर्स आपको पता थे, तो आपको विस्कोसिटी का भी आइडिया होगा कि ऑयल की विस्कोसिटी कितनी होगी। ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। vt आपने फाइंड कर लिया, जो मैंने अभी आपको बताया कि vt किस तरह से फाइंड करेंगे, राइट। रो डेंसिटी है, डेंसिटी आपको पता था ऑयल की कितनी है। जी ग्रेविटी है 9.8 आपको पता होता है। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज अगर मुझे पता है तो r स्क्वायर से मैं r निकाल सकता हूं। अगर मैं अंडर रूट ले लूं तो मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी रेडियस ऑफ दैट ड्रॉपलेट जो के उन दोनों प्लेट्स के दरमियान यूनिफॉर्म या एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, जिसको हम टर्मिनल स्पीड कह रहे हैं, राइट। अब r की वैल्यू अगर मैं क्या करूं, रिवर्स में पुट करूं इस रिलेशन के अंदर, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मास की वैल्यू मिल जाएगी। यही बात मैंने रिजल्ट में लिखी हुई है, बाय यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 देन वी विल गेट मास m। तो हम इस इक्वेशन से मास निकालेंगे क्योंकि vt आपने निकाल लिया, वह r आप यहां से निकाल चुके हैं, बाकी तमाम वैल्यूज आपको पता है, तो वहां से हम मास निकाल लेंगे। अब यहां पुट करने की आपको जरूरत नहीं है, किताब में भी डायरेक्टली रेफरेंस दिया हुआ है, आपने भी रेफरेंस देना है कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में इस्तेमाल करते हुए आप मास निकालेंगे, और मास निकालने के बाद इस मास की वैल्यू को अगर आप बैकवर्ड इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो यहां से आप चार्ज निकालेंगे, राइट। तो यहां से अगर आपके पास चार्ज की वैल्यू आएगी तो चार्ज आप
एक ड्रॉपलेट के ऊपर फाइंड कर रहे हैं, उस ड्रॉपलेट के ऊपर कई इलेक्ट्रॉन या कई प्रोटॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया गया, मिलिकन ने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करवाया। तो बार बार परफॉर्म करने से उसने उन तमाम चार्जेस की वैल्यू को गौर से जब ऑब्जर्व किया तो उसको पता चला कि वो तमाम वैल्यूज एक सर्टन वैल्यू का मल्टीपल आ रही थी। अब वो जो वैल्यू जिसका ये मल्टीपल आ रही थी वो वैल्यू क्या थी, उसने बार बार के ट्रायल से ये नतीजा निकाला कि वो बेसिक वैल्यू कितनी है, दैट वैल्यू इज 1.6 × 10⁻¹⁹। तो यहां से उसने आइडिया लगाया कि जो बेसिक वैल्यू है जिसकी तमाम वैल्यूज मल्टीपल आ रही है वो वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम के बराबर है, राइट। उसने कहा कि ये वो बेसिक चार्ज है जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। उसने इस बात का फैसला किया कि ये वो चार्ज है जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जी बेटा, इस तरह से मिलिकन ने बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निकाल लिया, हिट एंड ट्रायल मेथड से बार बार परफॉर्म करने के बाद। जी बेटा, ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।